टैंक बहुत चला लिया, अब थोड़ा खेती कर लेते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल फिट बैठती है पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, क्योंकि ऐसा रिपोर्ट्स आ रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी अब प्लान कर रही है खेती करने के लिए। जैसा कि द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, फ्रॉम टैंक्स टू ट्रैक्टर्स पाकिस्तानी आर्मी टेकिंग ओवर 1 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड टू ग्रो फूड्स। जी हाँ, इनका प्लान है कि टोटल 1 मिलियन एकर लैंड एक्वायर किया जाएगा और वहाँ पे खेती बाड़ी करी जाएगी, और ये जो फसल होगा उसको पाकिस्तान के लोगों को बेच के या दुनिया भर में बेच के पाकिस्तानी आर्मी यहाँ से भी प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगी। पाकिस्तानी आर्मी का ना थोड़ा सा बनावट ही बड़ी स्ट्रेंज है। जब से पाकिस्तान बना है, उसका जन्म हुआ है, तब से लेके आज तक देखेंगे तो लगभग कभी सिविलियन गवर्नमेंट वहाँ होती है, कभी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की वहाँ गवर्नमेंट होती है। मतलब सरकार भी चलाते हैं ये, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा चलाते रहते हैं। बॉर्डर की सेफ्टी भी ये इंश्योर करते हैं। मतलब ऐसी स्थिति आ जाती है कि वहाँ का सेना प्रमुख ना अपने प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनता है। ये सब चीज़ें कॉमन है। इसके अलावा बहुत से बिजनेस वहाँ की आर्मी करती है, लाइक रियल एस्टेट में बहुत बड़ा स्टेक है वहाँ की आर्मी का। तो इन सभी चीज़ों के अलावा एक नया अध्याय इनके साथ जुड़ने जा रहा है कि अब ये पाकिस्तान में खेती बाड़ी करने वाले हैं। जैसा कि जो आर्मी है वहाँ की, मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि वो पूरे नेशन की गार्जियन के तौर पर काम करती है, और उनका ऐसा स्थिति है फिलहाल आज के डेट कि इनका एक मेगा प्लान बन रहा है कि अब पूरे पाकिस्तान में ये खेती करेंगे, और ये जो लैंड एक्वायर करी जाएगी ये पंजाब प्रोविंस में करी जाएगी, जहाँ की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। और आर्मी जो है ये सब क्यों कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में ना महंगाई, फूड प्राइसेस खास तौर पे बहुत ही ज़्यादा आगे जा चुकी है। मतलब समझ सकते हैं, प्याज 220 रुपए किलो, 230 रुपए किलो, चावल 250 रुपए किलो, आटा 350 रुपए किलो। अगर इस तरीके के फूड प्राइसेस आपको देखने को मिले तो समझ सकते हैं कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। और इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी आगे आ रही है, और उनका प्लान ये है कि टोटल पंजाब प्रांत में ये लगभग 1 मिलियन एकर जो लैंड है वो एक्वायर करेंगे, जो कि लगभग अपने दिल्ली से 3 गुना बड़ा साइज होता है, इतना बड़ा लैंड ये एक्वायर करेंगे। वहाँ पे ये खेती करेंगे, और खेती किस चीज़ की करेंगे, तो ऑब्वियसली जो चावल हो गया, धान हो गया, फिर मक्का हो गया, गेहूं हो गया, इन सभी चीज़ों को करेंगे ही करेंगे, वेजिटेबल्स वगैरह करेंगे। इसके साथ साथ कुछ गन्ने के भी खेती करेंगे, कपास के भी खेती करेंगे, जिससे विभिन्न प्रकार के जो डाइवर्स फसल है उगा सके और पाकिस्तान के नीड को पूरा कर सकें। इनका प्लान ये है कि जो भी उससे प्रॉफिट, सिंस प्रॉफिट तो आनी ही है, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी का रिकॉर्ड इतना बढ़िया है कि अपने देश के लोगों के लिए पूरा का पूरा फ्री कर देंगे, ऑब्वियसली उसका ये चार्ज लेंगे। तो चार्ज लेंगे तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट उसमें आने की संभावना है। तो इनका प्लान ये है कि जितना प्रॉफिट होगा उसका 20% ये फिर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा देंगे। किसके? तो फार्मिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा देंगे, जो मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ लगा। और उसके साथ जो बाकी प्रॉफिट का हिस्सा बचेगा उसको स्टेट गवर्नमेंट और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट दोनों आपस में 50-50 बांट लेंगे। इनका ये पूरा हिसाब किताब है। अब थोड़ी सी इसके साथ दिक्कतें भी है। दिक्कत क्या है कि जो टोटल 1 मिलियन एकर लैंड एक्वायर करी जा रही है, तो इसमें तो कुछ ऐसे भी होंगे ना जो बिल्कुल मार्जिनल फार्म हाउस होंगे, जिनकी खेती काफ़ी छोटी सी होगी और उनको भी आर्मी एक्वायर करेगी। दूसरी बात कि आर्मी का दबदबा है, तो ऑब्वियसली सिविलियन यहाँ पे नेगोशिएशन कर नहीं पाएंगे, आर्मी अपने मन मुताबिक काम करेगी। तो भले ही ये देखने में लग रहा है कि चलो पाकिस्तानी आर्मी फीड करने की कोशिश करिए पाकिस्तान को, लेकिन इसका रिजल्ट जो होगा वो कुछ अच्छा होते हुए नहीं दिख रहा है आपको। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।